नमस्कार, मैं खलील पवार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव न्यूज। देश में लॉकडाउन के चलते मजदूरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अपने ही देश में घुसपैठी जैसे व्यवहार किया जा रहा है मजदूरों के साथ। जगह जगह जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पुलिस मजदूरों के साथ बर्बरता करती ही जा रही है। ऐसा ही मामला झांसी का है, जहाँ पुलिस ने मजदूरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अरे वो कोई दिक्कत नहीं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें यमुनानगर की हैं, जहां पर मजदूरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। मजदूर अपनी जान बचाने के लिए अपनी साइकिल, चप्पल एवं जो भी उनके पास जरूरत का सामान है सब छोड़कर भाग गए। प्रवासी मजदूरों ने खेत में, घरों में छुप छुप कर अपनी जान बचाई। खाने पीने की सुविधा ना होने के कारण प्रवासी मजदूरों ने घर जाने का फैसला लिया। कुछ मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल चुके। कई सौ किलोमीटर का सफर करने के बावजूद भी प्रवासियों को उनके घर नहीं जाने दिया जा रहा है। हर बॉर्डर पर, हर नाके पर रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर पुलिस प्रवासी मजदूरों को दूसरे स्टेट में उनके घर में प्रवेश नहीं करने दे रही।